हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर से क्लास 11th का टॉपिक है, जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कौन कौन सी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलती है बच्चों, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज ही वर्क कर रही हैं, तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कांस्टेंट होगा। स्टेटमेंट आपके सामने है, बोर्ड पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये लॉ क्या बोलती है बच्चों, कि इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डूइंग द वर्क ऑन ए बॉडी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्सेज लग रही हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, तो वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बच्चों, फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस है इस दुनिया में, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले यही बता देता हूँ आपको, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज डियर, फर्स्ट इज कंजर्वेटिव एंड सेकेंड इज नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होती हैं, कि ऐसी फोर्सेज जिनका जो वर्क डन है, मतलब जिन फोर्सेज से जो वर्क किया जाता है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। कि आप डेफिनेशन दे सकते हो इसकी, क्या डेफिनेशन बनती है, कि द फोर्सेज फॉर विच द वर्क डन does not depend on the path followed by the object। ठीक है बच्चों, कि ऐसी forces जिनका जो work done है वो path पे depend नहीं करता। जैसे कि मैं example देता हूँ आपको, कि सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट को मैं किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई और उसको मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आया, चाहे मैं उसको इस पाथ से लेके आऊँ, चाहे मैं इस पाथ से लेके आऊँ, चाहे मैं इस पाथ से लेके आऊँ, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो मैंने फोर्स लगाई है, अगर इस फोर्स का जो वर्क डन है इन अलग अलग पाथ्स के लिए, फर्स्ट पाथ के लिए, सेकेंड पाथ के लिए, थर्ड पाथ के लिए, सेम आए, क्या आए, सेम आए, तो मैं इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स को क्या बोलूंगा बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स बोलूंगा, क्योंकि उसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। कोई भी पाथ आप चूज कर लो, वर्क डन हमेशा सेम ही आएगा। अब एग्जाम्पल्स क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेज के, कंजर्वेटिव फोर्सेज के एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी है धरती की, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर बच्चों सपोज आप ये अर्थ का सरफेस है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, प्रूव करके दिखाऊंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कि अर्थ सरफेस है, ठीक है बच्चों, और ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्ट ऐसे ले आऊं इंक्लाइंड प्लेन से, चाहे मैं इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऐसे स्टेयर्स के थ्रू लेके आऊं, तो अलग अलग पाथ फॉलो हो रहा है, एक तो हो रहा है स्ट्रेट पाथ फॉलो, एक ऐसे जिगजैग पाथ है इस तरह का, तो दोनों पाथ में मेरा वर्क डन सेम आएगा। जैसे मर्जी मैं इसको लेके आऊं, चाहे मैं ऐसे फेंक दूं इसको, चाहे मैं इसको इस तरह से फेंक दूं, तो जितनी भी तरीके से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा, वर्क डन मेरा उतना ही आएगा, सेम आएगा। ग्रेविटी जो इस पे वर्क करेगी ऑब्जेक्ट पे, वो सेम ही आने वाला है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अलावा बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो पाथ पे डिपेंड करती हैं, मतलब जिनका जो वर्क है दैट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है, कि जो पाथ डिपेंडेंट है उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया बच्चों जैसे फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तो पाथ पे डिपेंड करता है ना, जैसा पाथ होगा, पाथ की नेचर होगी, फ्रिक्शन का जो वर्णन है अलग अलग आएगा।
तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आई थिंक सबको क्लियर हो गई। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो बच्चों, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम जिन फोर्सेज की बात करते हैं वो कौन सी फोर्सेज होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। तो ये लॉ यही बोलती है कि अगर जो फोर्सेज लग रही है वो कंजर्वेटिव हैं, तो जो टोटल जो वर्क डन किया जाएगा किसी भी बॉडी पे, कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेज जो वर्क कर रही हैं, तो उससे उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वो हमेशा सेम रहने वाली है। मतलब अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रही है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लूंगा, मतलब टोटल एनर्जी निकाल लूंगा, तो वो हमेशा मुझे कांस्टेंट मिलने वाला है। दैट इज योर कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा अगर उस पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। तो अब मैं फ्री फॉल के केस में इसका प्रूफ भी आपको देने वाला हूं। तो अब मैं इसका प्रूफ आप लोगों को दूंगा, तो ध्यान से देखना। तो मैं आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ यहां पे दिखाने वाला हूं। तो प्रूफ देखेंगे सभी। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसका प्रूफ फ्री फॉल के लिए मैं आपको प्रूफ दूंगा। फ्री फॉल मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। सपोज दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने इस पॉइंट ए से गिराया, तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था पॉइंट ए पे, इसको मैंने छोड़ दिया। इस ऑब्जेक्ट का मास सपोज बच्चों कितना है, एम। मैंने जैसे इसको छोड़ा तो ये नीचे जाएगा। ये हमारा धरती का सरफेस है, ग्राउंड है हमारा, ठीक है, दिस इज अवर ग्राउंड। तो यहां से जब मैं इसको फेंकूंगा तो गिरता 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 किसी टाइम पे सपोज ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा, फिर गिरता 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 यहाँ ये फाइनली पॉइंट सी पे पहुंचेगा। तो अब मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वर्क डन निकाल लूंगा, या कह सकता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं काइनेट मतलब टोटल एनर्जी निकाल लूंगा। ठीक है, क्या निकाल लूंगा? टोटल एनर्जी। और ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी होगी, मतलब पॉइंट ए पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ और उनका सम लेता हूँ, ऐसी पॉइंट बी पे भी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, उनका सम लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट सी पे भी काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ और उनका सम लेता हूँ, तो इन तीनों पॉइंट्स पे ये जो सम मुझे मिलने वाला है एनर्जीज का बच्चों, ये कॉन्स्टेंट रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि जो टोटल एनर्जी है तीनों पॉइंट्स पे सेम आएगी। तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से बोलते हैं, और यही मुझे प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो मैंने माना कि पॉइंट ए मैक्सिमम कितनी ऊपर है, एच हाइट पे है, और जब मैंने इसको फ्रीली फॉल करवाया तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी, और जब ये नीचे जा रहा था, मतलब जब ये ब्लॉक हमारा नीचे गिर रहा था, तो पॉइंट बी पे जब पहुंचा, तो सपोज हमने माना पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है कितनी है यहाँ से यहाँ तक, एक्स। किसी टाइम पे पॉइंट बी पे पहुंच जाता है एक्स डिस्टेंस पे, तो सी और बी के बीच की डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है बच्चों कितनी होने वाली है, एच माइनस एक्स। क्लियर है? तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए, ठीक है, किसकी बात करता हूं? पॉइंट ए की। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूं बच्चों, तो पॉइंट ए पे अभी मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट रेस्ट में है, तो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, दैट इज जीरो। ठीक, अब पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है इसको मैं वी ए मान लेता हूँ, दैट इज जीरो। क्यों है जीरो? क्योंकि अभी मैंने पकड़ा हुआ है इसको पॉइंट ए पे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जैसे छोड़ूंगा तभी मोशन में आएगा ना, तो पॉइंट ए पे बच्चों वेलोसिटी जीरो है। तो इसलिए पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है हमारी, हाफ एम वी ए स्केयर, मतलब हाफ एम जीरो का स्केयर, मतलब जीरो। तो इसका मतलब बच्चों पॉइंट ए पे अभी क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अभी मैंने पकड़ा हुआ है। लेकिन इस टाइम पे पॉइंट ए पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है पॉइंट ए पे इसकी, हमें पता है क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। कितना ऊपर है ये, ए सी, और ए सी की वैल्यू कितनी है, एच एम जी एस, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं पॉइंट ए पे टोटल, पॉइंट ए पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, जीरो। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालता हूं, टोटल मैकेनिकल
एनर्जी एट पॉइंट ए, तो वो कितनी आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ जाती है हमारी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है हमारी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी है MgH, तो टोटल एनर्जी सॉल्व करने पे MgH आ जाती है, ये पॉइंट ए की टोटल एनर्जी आ गई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सिमिलरली बच्चों हम पॉइंट बी पे जो इसकी टोटल एनर्जी है वो निकाल लेंगे। तो सेकंड आता है हमारे पास फिर पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे देखो कैसे निकलेगी इसकी टोटल एनर्जी। तो पॉइंट बी पे मान लिया इसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाती है, आते आते जब ये गिरता है शुरू में वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जैसे जैसे नीचे गिरता है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सपोज कितनी हो जाती है, वी बी। अब ये वी बी वेलोसिटी मुझे यहाँ निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकलेगी, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे दोस्तों। फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है ना, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू टू ए एस, ये यूज़ कर लेंगे तो क्या बनेगा, देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी बी बी पॉइंट में, तो वी बी का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पॉइंट ए पे, जीरो, तो जीरो का स्केयर इंटू टू। अब एक्सेलेशन कितनी है यहाँ पे, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है, तो कितनी एक्सेलेशन से नीचे गिर रहा है ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जी आपको पता है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा है कि धरती कितनी एक्सेलेशन से किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसे बोलते हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल जी, एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा, और एस हमारा यहाँ कितना है, एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से बी की, एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास वी बी का स्केयर आ जाता है 2gx, तो इसका मतलब पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है उसका अगर मैं स्केयर करता हूँ देन इट बिकम्स 2gx, तो इसका मतलब पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पॉइंट बी पे, हाफ एम वी बी स्केयर यही होगी, और वी बी की स्केयर कितना है 2gx, तो यहाँ से बन जाती है हाफ एम इंटू 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है बच्चों पॉइंट बी पे, एम जी एक्स। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सिमिलरली बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो क्या आएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब पॉइंट बी पे कितनी हाइट है उसकी, ये h माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ये h माइनस एक्स, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बन गई mg इंटू एच माइनस एक्स। अब मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी mg x प्लस mg इंटू एच माइनस एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व कर लो इसको, mg x प्लस mg को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा mg h माइनस MgX, तो MgX से MgX कैंसिल, तो टोटल एनर्जी भैया कितनी आ गई MgH। तो इसका मतलब बच्चों पॉइंट A पे जब टोटल एनर्जी निकाली वो भी MgH आई, और पॉइंट B पे जब हमने टोटल एनर्जी निकाली तो वो भी कितनी आई MgH। ऐसी बच्चा पार्टी अब हम पॉइंट C पे निकाल लेंगे। तो जब हम निकालते हैं बच्चों पॉइंट C पे टोटल एनर्जी तो देखते हैं कितनी आती है। अब पॉइंट C की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों तो कितनी हाइट पे है ग्राउंड से, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, हाइट कितनी है जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ भैया इसकी होने वाली है जीरो। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब निकलेगी, अगर मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी पता लग जाए, तो उसके लिए मैंने माना यहाँ पे ये कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराती है, वी सी, तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस, तो वी कितना है मेरा फाइनल वेलोसिटी वी सी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पॉइंट ए पे जीरो, इधर आएगा टू, एक्सेलेशन कितनी है जी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से सी तक की, अब टोटल एच इंटू एच, तो यहाँ से बच्चों वी सी का स्केयर आ गया आपके पास टू जी एच, ठीक है। अब वी सी का स्केयर पता लग गया तो काइनेटिक एनर्जी भी पता लग जाएगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है बच्चों, हाफ एम वी सी स्केयर, तो यहाँ से बनेगा हाफ एम वी सी का स्केयर कितना है 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहाँ आ जाएगी mgh। तो अब हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब बच्चों जो टोटल एनर्जी है पॉइंट C पे वो क्या होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी जो कितनी है mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो, तो टोटल एनर्जी पॉइंट C पे भी कितनी आई mgh।
तो यहाँ पे बच्चों इस डेरिवेशन में क्लियर हो रहा है कि जब आपने पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी निकाल ली तो वो एम जी एच आई, पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी निकाल ली तो वो भी एम जी एच ही आई, और पॉइंट सी पे जब टोटल एनर्जी निकाल ली तो वो भी एम जी एच ही आई। तो इससे प्रूव हो जाता है कि अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो टोटल एनर्जी जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट रहने वाली है। दिस इज़ द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ यू।